देश को गाली देने वालों का हश्र देख लीजिए, सुन लीजिए। पूरा का पूरा बॉलीवुड सदमे में है, हैरान है, परेशान है। उफ, ऐसा क्या हुआ कि लुट गई लाल सिंह चड्ढा की कमाई? हश्र देख, आमिर खान को लग गया गहरा सदमा। लाल सिंह चड्ढा तो जनता ने नकार दिया, तो अब क्या, पठान की बारी। क्या आमिर के बाद अब शाहरुख खान के घर तक पहुंच चुकी है चिंगारी? आखिरकार बॉलीवुड में डर का सन्नाटा क्यों पसरा है, आपको बताएंगे। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि जिस देश ने आमिर खान को 1500 करोड़ का मालिक बनाया, अब उसी देश की आवाम क्या उन्हें कंगाल बनाने की तैयारी कर चुकी है? लाल सिंह चड्ढा का नाम सुनते ही आमिर खान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। खबरें तो ये तक हैं कि वो घर में किसी से बात करने के मूड तक में नहीं है। जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता पर आमिर खान बेहद आहत हैं। फिल्म रिलीज होने से पहले माफी मांगने वाला आइडिया भी काम नहीं आया, फिर देशभक्ति का आइडिया अपनाया, देश ने उसको भी नकार दिया। नतीजा ये हुआ कि लाल सिंह चड्ढा इस कदर डूबी कि आमिर खान की नींव हिल गई। आमिर खान को इतना गहरा सदमा लगा है कि वो ना तो सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और ना ही घर में न्यूज़ देख रहे हैं, ना ही वो किसी से बात करना चाहते हैं। हम आपको बताते हैं आमिर खान की 10 गलतियां, लेकिन उससे पहले सुनिए फिल्म की कमाई कितनी है और क्यों बॉलीवुड सदमे में है। देखिए जरा, फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 11 करोड़ 70 लाख की कमाई की। अब तक की कमाई सिर्फ करोड़ों में ही है। 180 करोड़ की लागत वाली फिल्म अपना खर्च तक नहीं निकाल पाई, इसलिए आमिर सदमे में है। एक टाइम था बॉलीवुड का, एक दिन में ही इतना कमा लेते थे, तो ऐसा सूखा किसकी वजह से पड़ा? कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि देश विरोधी बयानों की वजह से विज्ञापनों से भी आमिर खान गायब हो चुके हैं, उनकी कमाई भी रुकने वाली है। आमिर की पिछले 8 साल में सिर्फ 2 ही फिल्में आई हैं, दोनों सुपर फ्लॉप हो गई। क्या आमिर अब फिल्म नहीं बनाएंगे, या मोदी से मिलकर माफी मांगने पर उनसे नाराज देश की जनता उन्हें माफ कर देगी? क्या कहते हैं आप? याद कीजिए पीके मूवी, जब शिव को दौड़ाया, शिव को चढ़ाने वाले दूध पर सवाल उठाया, भगवान को गायब करने वाले पोस्टर लगाए, देश में रहने से डर लगने वाला बयान दिया। क्या ये आमिर खान की ऐसी गलतियां नहीं जिससे देश उनसे नाराज हो गया? आमिर खान की फिल्म पिट गई तो शाहरुख और सलमान को भी अब डर सता रहा है। शाहरुख खान की फिल्म पठान अगले साल जनवरी में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का बायकॉट अभी से ही शुरू हो गया है। लाल सिंह चड्ढा निपटाने वाली जनता अब पठान की बारी लगा चुकी है। सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह के स्लोगन शेयर किए जा रहे हैं। लोग दीपिका पादुकोण से भी नाराज बताए जा रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हुई तो उसकी वजह दीपिका पादुकोण बन सकती है। वो क्यों, अब ये भी जानिए। दरअसल याद होगा आपको, JNU हिंसा के दौरान दीपिका वहां जाकर सरकार के विरोध में खड़ी हो गई थी, जिसके बाद उनकी फिल्म की तलाश थी। ऐसे में सवाल ये कि क्या पठान फ्लॉप होगी? पहले ये कि फिल्म तो शाहरुख खान की है, दूसरा फिल्म में दीपिका पादुकोण है, और तीसरी वजह बॉलीवुड से जनता नाराज है, और चौथी और सबसे बड़ी वजह साउथ की फिल्में इस वक्त दिलों पर राज कर रही है, तो बॉलीवुड की कॉपी पेस्ट मूवी को कोई क्यों देखेगा? 300 करोड़ से बनी पठान के प्रोड्यूसर की नींद उड़ी हुई है। आमिर खान को सबसे सफल फिल्मों का जनक माना जाता है, जब उनका यह हाल है तो बाबा शाहरुख खान का क्या होगा, जिनको अब भी लगता है कि देश के लिए कुछ भी बोल दो जनता बेवकूफ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उनकी आंखें अब तक खुल जानी चाहिए, क्योंकि जो जनता आपको 1500 करोड़ का मालिक बना सकती है, वही जनता आपको कंगाल भी कर सकती है। जो सुपरस्टार बना सकती है, वो सुपर फ्लॉप भी बना सकती है। देश के खिलाफ बोलने वालों का अगर ये हाल हो रहा है तो क्या आपको दुखी होना चाहिए, या कहेंगे आमिर खान तो हो गए, अब शाहरुख को भी जाना होगा? और हाँ, जो देश की बात करेगा वही दिलों पर राज करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।